कांगड़ा जिला के 55 जिला परिषद सदस्यों समेत जिला के सभी ब्लॉक समिति सदस्यों ने सामूहिक इस्तीफा देने का ऐलान किया है। इन सभी का कहना है कि उनके वेतनमान में वर्तमान प्रदेश सरकार ने कटौती की है, साथ ही उनके पास जो खर्च करने की निधि कांग्रेस सरकार में विकास कार्यों के लिए आती थी उसमें भी बहुत कमी की गई है। उन्होंने केंद्र सरकार को चेताया है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तो इसका खामियाजा 2019 के चुनावों में भुगतना होगा। आज इन सभी जिला परिषद सदस्यों और समिति सदस्यों की बैठक सभी विभागों के साथ थी, लेकिन बैठक के दौरान इन सभी ने वॉकआउट कर दिया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान जिला परिषद अध्यक्ष मधु गुप्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जिला परिषद सदस्यों के वेतनमान कम करके हमारा मजाक उड़ाया है और जनता के सामने हमारी बेइज्जती हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने मंत्रियों और विधायकों के वेतन भत्तों में तो लगातार बढ़ोतरी कर रही है, लेकिन जो सीधा जमीन पर लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं उन्हें दरकिनार किया जाता है। उन्होंने कहा कि पहले जिला परिषद सदस्यों के पास अपने इलाके का विकास करवाने के लिए पर्याप्त धनराशि आती थी, लेकिन अब ये धनराशि पंचायत प्रधानों को दी जा रही है जिसका सही से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। मधु गुप्ता, जिला परिषद अध्यक्ष मधु गुप्ता, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। मैं इधर धर्मशाला से बोल रही हूँ। आज हमारी मीटिंग चली हुई थी, क्वार्टली मीटिंग चली थी, लेकिन उसमें बीडीसी मेंबर, जिला परिषद मेंबर जितने भी लोग बैठे थे उन सभी का यही रोष है कि हमारी जो मांगे हैं वो ढंग से नहीं मानी गई। हमने आपके पास 3-4 बार प्रस्ताव दे चुके लेकिन नहीं मानी गई है, जो उनको सुना सुना कर दिया गया। और बीडीसी मेंबर जो है उनका भी जो मानदेय है बहुत कम है। जो हमारी डिमांडे हैं, जो हमारी जिला परिषद की मांगे हैं, वो हमारे बीडीसी मेंबरों की डिमांडे हैं। तो इसके साथ ये है कि जैसे हमारी डिमांडे मानी जाए और साथ में बीडीसी मेंबर जो उनकी मांगों को भी माना जाए, इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करूंगी। जब हमारी वो मांगे मानेंगे तभी तक हम ये, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हम ये जो क्वार्टली मीटिंग है और जो भी प्रस्ताव वगैरह उसको हम नहीं देंगे, उसको नहीं मानेंगे। आपकी मांगे क्या है मैडम? हमारी मांग यही है कि जैसे बजट है, जिला परिषद मेंबरों का बजट है बहुत कम है, बहुत कम है। दूसरी बात यह है कि जैसे 15 और 20 पंचायतों से ये लोग किस चीज के आए हैं, तो 15 और 20 पंचायतों के बीच में जैसे हम जाएंगे तो उनकी हम कामों को पूरा नहीं कर पा रही है। तो लोगों से हमने कैसे वोट लेनी है, नेक्स्ट हमने कैसे वोट लेनी है, इसके लिए हमारे लिए बहुत शर्मिंदा की बात है। और बाकी बात यह है कि जैसे बीडीसी मेंबर है, इनकी भी यही डिमांड है कि हमारा बजट जो है बढ़ाया जाए और मानदेय जो वो भी बढ़ाया जाए। तो इसलिए है और इनको खर्च करने का, जैसे कि प्रधानों को डायरेक्ट पैसा जा रहा है वो खर्च नहीं कर रहे, उनके पास 20 और 25 लाख 30 लाख का जो पैसा है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो इसके लिए सरकार जो है जैसे हमारे को मानदेय देगी, हमारे मानदेय बढ़ाएगी, तो जैसे हमारे को वो खर्च करने की जो पावर है वो भी हमारे को ही दो, बीडीसी मेंबरों को भी दो, जिला परिषद मेंबरों को भी दो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना जिला परिषद सदस्य विशाल चंबियाल ने बताया कि आज बैठक की गई जिसमें विकास कार्यों के सेफ पास होने थे, लेकिन सरकार का निर्णय हमारे खिलाफ है इसलिए बैठक से वॉकआउट किया गया। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी थी तब उम्मीद जगी थी कि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है तो बजट विकास कार्यों के लिए दिया जा रहा है उसमें बढ़ोतरी होगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उल्टा इसकी सरकार ने जिला परिषद और समिति सदस्यों के वेतन मान कम कर भद्दा मजाक किया है। उन्होंने कहा कि जिन भी लोगों ने बजट पेश करने के दौरान यह मजाक किया है, क्या वह बजट पेश करते वक्त सो रहे थे? उन्होंने कहा कि सभी जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति को पार्टीबाजी से कोई लेना देना नहीं है। अगर समय रहते मांगे नहीं मानी गई तो वेतनमान और विकास निधि में बढ़ोतरी नहीं की गई तो प्रदेश के दोनों राजनीतिक दलों को लोकसभा चुनावों में इसका परिणाम देखने को मिलेगा। एक बात और करना चाह रहा हूँ कि यहाँ जितने भी हमारे बीडीसी के चेयरमैन आए हैं, वाइस चेयरमैन आए हैं, हमारे जिला परिषद के चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, सब हम लोग इकट्ठे हैं और हमारा कांग्रेस और बीजेपी का कोई सवाल नहीं है, कोई सवाल नहीं है। और मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, आज बता देना चाहता हूँ अपने नेताओं को भी कि हम लोग इकट्ठे, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा पूरे हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, सबसे बड़ा जिला परिषद मेंबर है यहाँ पर और सबसे ज्यादा ताकतवर मेंबर यहाँ पर हैं। और मैं ये समझता हूँ सभी जो मेंबर्स हैं उनके पास जो है काफी ताकत है, काफी पावर है और हम सब इकट्ठे जो है इस्तीफा देंगे अगर हमारी मांगे नहीं मानेगी। ये मैं आज आप प्रेस के माध्यम से बोल रहा हूँ। 55 के करीब हमारे 50 बोल रहे हैं।